हे गाइस, वेलकम बैक टू आइकॉनिक साइंस। दोस्त, आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एनालॉग हार्ट सेंसर, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड लिया है, और इसके बाद हमने दो वायर लेंगे, और इसको हमने ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का दोनों साइड पे इस तरीके से हम सोल्डर कर देंगे। इसका एक साइड होगा नेगेटिव और इसका एक साइड होगा पॉजिटिव। गाइज, हमने यहाँ पे एक सिंपल वे का इस्तेमाल करने वाला है, जिस तरीके से आप किसी भी सर्किट को पीसीबी के अंदर आप प्रिंट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी है। आप देखते रहिए हमारा वीडियो, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस बहुत डिटेल्स में मैं इस वीडियो को आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्त, हमने यहाँ पे एक आईसी लेंगे। इसका जो पिन है ये LM358 है, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 पिन का आईसी है, और यहाँ पे ये वाला जो पिन है ये फर्स्ट पिन है 1 2 3 4, और उधर में है 5 6 7 8। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 8 पिन है। अब इसको हमने हमारे जो ब्लैंक पीसीबी है इसके अंदर हम इसको सोल्डर कर देंगे। इसके बाद गाइस, हमने यहाँ पे एक 220 ओम रजिस्टर लेंगे, और इसको हमने पीसीबी के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका एक पिन हमने पॉजिटिव जो लाइन है इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे पिन को यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पर गाइस, हमने एक 10K रजिस्टर लेंगे, और इसको भी हमने यहाँ पर सेम तरीके से सोल्डर कर देंगे, और इसका एक पिन हमने पॉजिटिव जो लाइन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्त, हमने यहाँ पे दो तार का टुकड़ा लेंगे, और इसको हमने एक को 4 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसका दूसरा एंड को हमने ग्राउंड कर देंगे, और दूसरे वाला जो तार का टुकड़ा है इसको हमने 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसको हमने हमारा जो पॉजिटिव लाइन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्त, हमने यहाँ पे 680K एक रजिस्टर लेंगे, और इसको हमने हमारे जो आईसी का 6 और 7 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने सोल्डर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक 100 नैनोफैरड कैपेसिटर लेंगे, और इसको भी हमने हमारे जो 6 और 7 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब हमारे जो 680K रजिस्टर है इसके पीछे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्त, हमने यहाँ पे एक 6.8K रजिस्टर लेंगे, और इसको हमारे जो सर्किट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक पिन को हमने हमारे जो पॉजिटिव लाइन है इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके जो दूसरे वाला एंड है इसको हमारे जो आईसी का 6 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद गाइस, हमने यहाँ पे एक 4.7 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लेंगे, जिसका 63 वोल्ट है, और इसको हमने इसका जो नेगेटिव लेग है इसको हमने आईसी का जो 5 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसका जो पॉजिटिव लेग है इसको हमने यहाँ पे हमारा जो 10K रजिस्टर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और गाइस, आखिर में हमने एक 47K रजिस्टर लेंगे, और इसको हमने हमारे जो 5 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरे जो एंड है इसको हमने हमारे जो पॉजिटिव लाइन है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक 220 ओम रजिस्टर लेंगे, और इसको हमने आईसी का जो 7 नंबर पिन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरे जो पिन है इसको हमने एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे, और एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और एलईडी का जो दूसरे पिन है इसको हमने हमारा जो नेगेटिव लाइन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। गाइस, इसी के साथ हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका, और अब बारी है सर्किट का जो सेंसर है इसको सेटअप करने का। तो इसके लिए हमने 3 वायर लेंगे, और इसका दोनों वायर को हमने यहाँ पर जो 220 ओम रजिस्टर है और जो 10K रजिस्टर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और एक जो सिंगल वायर है इसको हमने हमारे जो नेगेटिव लाइन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस, हमने यहाँ पे एक 9 वोल्ट बैटरी का कैप लेंगे, और इसका जो ब्लैक एंड रेड वायर है इसको हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस, हमारा जो सेंसर है इसका जो केस होगा, इसके लिए हमने हमारा जो क्लोथ क्लिप होता है इसका इस्तेमाल करने वाला है। ये बहुत ही आम है, किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमने 2 होल करेंगे, और इसके अंदर हमने हमारा जो आईआर रिसीवर और आईआर ट्रांसमीटर है इसको हम डाल देंगे। इसके बाद गाइस, आईआर ट्रांसमीटर और आईआर रिसीवर का जो नेगेटिव लाइन है इसको हमने कॉमन कर देंगे, और यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव लाइन है इसको हमने दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो गाइस, इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है, अब बारी थोड़ा सा टेस्ट करने का। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का एक लाइक करना, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।